नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। बलघाटी की बैरी पंचायत के अंतर्गत मैरा मसीत गांव में आईपीएच विभाग द्वारा हैंडपंप के लिए की गई खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से प्राकृतिक गैस होने के संकेत मिले हैं। फिलहाल विभाग के कर्मचारियों ने हैंडपंप की खुदाई का काम बंद कर दिया है और यहाँ से गैस निरंतर रिस रही है। मंडी जिला की बैरी पंचायत में एक आरा मशीन चलाते घनश्याम को क्या मालूम था कि उसकी जमीन से पानी निकलने की जद्दोजहद के चलते गैस का अपार भंडार भी मिल सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आईपीएच द्वारा यहां बनाए जा रहे हेडपंप के लिए करीब 280 फुट तक बोरिंग करने पर जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया। जब बोरिंग 310 फुट तक पहुंची, तो बोरवेल को वेल्डिंग कर बंद करना चाहा कि अचानक यहां आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलना शुरू हो गई। आग की लपटें देख वेल्डिंग का कार्य रोक दिया गया और बोरवेल को ढक दिया गया है। यहां उपस्थित आईपीएच कर्मचारियों ने विभाग के उच्च अधिकारी को इस बाबत सूचित कर दिया है। उसके बाद यहाँ लीकिंग शुरू हो गई। लीकिंग शुरू होने के बाद 280 फीट के ऊपर पानी यहाँ निकल गया, थोड़ा कम निकला वैसे। फिर उसके बाद 310 तक ये चले गया, 310 फीट तक। और 310 फीट के बाद ये चिंगारियाँ मारना उसने शुरू कर दी, फिर इसको हमने बंद करवा दिया। अब क्या कार्रवाई है विभाग की, आगे क्या करने चाहिए? हम इसको प्लग करवा रहे हैं सिर्फ, और आगे जो कार्रवाई जो है वो अपने भ्रमण कर दिया है। यहाँ रह रहे स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना से आश्चर्य जाहिर करते हुए बोरवेल के नीचे धरातल में गैस के बड़े भंडार होने की संभावना जताई है। यह खबर सुनते ही स्थानीय ग्रामीण व आसपास के बहुत से लोग मौके पर पहुंच गए और इलाके में यह एक मुख्य चर्चा का विषय बन गया। वहीं इस जगह के मालिक घनश्याम ठाकुर ने भी यहाँ गैस के होने की संभावनाओं के चलते खुशी जाहिर की है। यहाँ पे आईपीएच विभाग वाले जो है हैंडपंप लगा रहे थे और इन्होंने कल इसको कम्प्लीट किया 2:30 बजे। जैसे ये वेल्डिंग करने लगे, वेल्डिंग के बाद जो है इस पे जो है फ्लेम निकलना शुरू हो गई। अब जब भी इसको हमने सुबह देखा और इसके ऊपर माचिस की आग लगाई, तो ये इसके ऊपर जो है आग की लपटें और ये कंटिन्यूसली चल रही है। गांव के लिए तो क्या संकेत देना, गांव के लिए तो विभाग जानेगा इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको क्या, आपकी ये जगह है ना, तो आपको क्या लगता है कि आपकी ये जगह पानी तो नहीं उगल रही लेकिन गैस उगल रही है, जो गांव को क्या फायदा दे सकती है, क्या आपके दिमाग में इस वक्त प्रश्न? गांव को तो बहुत फायदा हो सकता है अगर गैस निकले, गांव वालों को फ्री में भी गैस मिल सकती है यहाँ से। बलघाटी में इससे पहले भी अनेकों बार गैस व तेल के भंडार होने की संभावनाएं जताई गई और इसी के चलते वर्ष 2000 में ONGC कंपनी ने बलघाटी के ढावन क्षेत्र में लगभग 5000 मीटर की बोरिंग भी की थी, मगर उनके नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाने के कारण करीब 4 साल के पश्चात ONGC को यह कार्य बीच में ही छोड़ना पड़ा था। अब देखना यह है कि इस घटना के मद्देनजर प्रशासन अगला क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बीते रोज शिमला में वर्षा जल संग्रहण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद हुए और उन्होंने वर्षा जल संग्रहण को लेकर अपने विचार रखे। जल संग्रहण पर शिमला में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान उपस्थित विभाग अधिकारियों को संबोधित करते हुए परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आज पूरे भारत वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश एक ऑक्सीजन हब के रूप में कार्य कर रहा है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि बदले हुए मौसम के मिजाज के प्रति भारत सरकार और पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में एक घोर संकट खड़ा होगा। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हाई हिल्स बर्फ के लेक से ढके हुए हैं, वहां मिडिल हिल्स जो है वो बन आच्छादित क्षेत्र है। पूरे भारत वर्ष को और विशेष करके उत्तरी भारत को अगर ऑक्सीजन हब के रूप में कोई काम करता है तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसमें हिमाचल प्रदेश का की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार से उसका दोहन होना चाहिए वो हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं, आजादी के 62 वर्ष बीतने जा रहे हैं। आखिर जब निचले हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाले जितने भी राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों को अगर बदले हुए मौसम के मिजाज में अगर हमने सही कदम नहीं उठाए, भारत सरकार ने सही कदम नहीं उठाए और प्रदेश सरकार ने सही कदम नहीं उठाए तो एक बड़ा घोर संकट हमारे सामने आ जाएगा, समाज के सामने आ जाएगा, हमारे देश के सामने आ जाएगा।
महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आज देश की असली तस्वीर को दिल्ली में बैठे उच्च अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो योजना केंद्र से लागू होती है उसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जबकि आज पहाड़ी राज्यों की समस्याएं बिल्कुल इसके विपरीत हैं। एक असली तस्वीर जो है, उस तस्वीर को भारत सरकार के बीच में बैठे हुए दिल्ली में उन एसी के कमरे में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उस बात को समझ रहे हैं। उनकी पॉलिसी और प्लानिंग कहां बनती है? एसी चला हुआ है, कमरे में बैठे हुए, वहां पर उनका पेंसिल से कंप्यूटर से वो उसको बटनों को दबाए जा रहे हैं, पेंसिल की लकीरें मारे जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि इस प्रकार की योजनाएं पूरे भारतवर्ष के बीच में आप लागू कर दो। कैसे इस प्रकार की योजना पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू हो सकती है? प्लेन के लिए योजना कुछ अलग तरीके से, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्लानिंग अलग तरीके से होगी। जो हमारे भारी राज्य हैं उनके लिए वहां यहाँ की समस्याएं विपरीत है, यहाँ की भौगोलिक दृष्टि परिदृश्य अलग है, तो यहाँ की योजना उस प्रकार से होनी चाहिए। महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के साथ किसी भी तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य होने पर अपना हक लेकर रहेगी। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। भारतीय मजदूर संघ के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर श्रम एवं उद्योग मंत्री किशन कपूर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाहक वीर सिंह, कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक पुरोहित सहित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह उपस्थित थे। बीते रोज भारतीय मजदूर संघ द्वारा अपना 55वां स्थापना दिवस शिमला स्थित बजट भवन में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिला व खंड मुख्यालय में इस संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया। संघ के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में प्रदेश के श्रम एवं उद्योग मंत्री किशन कपूर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। आयोजित समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्रम एवं उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि आज उन लोगों को याद रखने की आवश्यकता है जिन्होंने संगठन को इस मुकाम पर पहुंचाया है। लोगों को भी याद करना है जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। हिमाचल प्रदेश के पहले भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री बलवीर शर्मा जी और भारतीय मजदूर संघ के जो महामंत्री से आदरणीय श्री प्यारे लाल देरी जी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जहाँ आने जाने के साधन बहुत कम थे, बसें भी नहीं हुआ करती थी, गांव-गांव में जाकर भारतीय मजदूर संघ को खड़ा करने के लिए प्रयास किया। किशन कपूर ने कहा कि आज बिना कार्यकर्ताओं के कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने उपस्थित संघ सदस्यों से उन लोगों का भी ध्यान रखने का आह्वान किया जो छोटे स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उसी से गाड़ी चलती है, इंजन उसका मेजर पार्ट है, इंजन में भी क्रैंकशाफ्ट है, हेड है और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, पर हमें उनको भी याद करना है, जो उनको भी सम्मान देना है। अगर गाड़ी आपकी ठीक है, चालक ठीक है, पर मेरा ये मानना है कि एक्सीलेटर का अगर स्प्रिंग काम ना करे तो गाड़ी आगे नहीं चलती। उसी प्रकार से हमारा जो छोटा कार्यकर्ता है, जो रात और दिन अपने संगठन के लिए काम करता है, उसको भी पूरा आदर सम्मान मिलना चाहिए। और इस संगठन की सदस्यता और भी हमें ज्यादा करनी चाहिए, ताकि जहां हमारा आज काम नहीं है भारतीय मजदूर संघ का, वहां भी हमने काम खड़ा करना है। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाहक वीर सिंह, कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक पुरोहित सहित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला।